महाभारत। बरबरे कहाँ है मुरवी? वही जो संसार में उसके लिए सबसे अधिक मनभावन स्थान है, उसकी दादी माँ की गोद। ठीक कहती हो, दादी और पुत्र को दोनों को एक दूजे के बिना चैन ही नहीं आता। माता श्री के जीवन का सूनापन बरबरेक ने जिस प्रकार भरा है, उस प्रकार तो मैं भी नहीं भर सका था। सच पूछो तो माता श्री जिस तरह उसकी देखभाल शिक्षा दीक्षा कर रही हैं, मैं तो उसका अंश मात्र भी ना कर पाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता श्री उसे बहुत वीर और पराक्रमी बनाकर मानेंगी। वो तो अपने पुत्र को बनना ही है। बरबरेक, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति से मिलकर बना है। देख लेना, बड़ा होकर वो बड़े बड़े योद्धाओं को पल में यूं परास्त करेगा जैसे मैंने तुम्हें परास्त किया था। अच्छा, फिर मुझे चिढ़ाने पर आ गए ना? तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैंने कब कहा? अच्छा तो मोरवी, ये बताओ, तुम्हें अपने परास्त होने का दुख तो हुआ होगा? सच कहूँ? एक क्षण के लिए तो अवश्य हुआ था, किंतु वो एक क्षण तो कदाचित यात्रा का वो मोड़ होता है जहां से जीवन एक राह छोड़कर दूसरी राह की तरफ मुड़ जाता है, और वो क्षण मेरे अभिमान का अंतिम मोड़ था। परंतु दूसरे क्षण तो मेरा संसार ही बदल गया था। एक बात और पूछूं? अवश्य पूछो। राजभवन छोड़कर इस वानर कुटिया में आने का दुख तो नहीं है तुम्हें? नहीं है। वहां प्राणहीन पत्थरों और ईंटों का समूह होता है। राजमहल की पथरीली दीवारों से प्यार की सुगंध नहीं फूटती, और इस कुटिया में तो प्यार का बसेरा है। फिर दुख तो तब होता है जब आपका कुछ छूट जाए, कुछ खो जाए। मेरा तो कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि यहां आकर तो मैंने सब कुछ पा लिया है, वो सब कुछ जिसे मेरा जीवन खोज रहा था। यहां आकर मुझे मां मिली है, मां का प्यार मिला है, जिस अनुभव को मैं तरस रही थी। पति का स्नेह मिला है, जिससे मुझे पहली बार यह आभास हुआ है कि मैं भी किसी के प्रेम के योग्य हूं, मैं भी किसी को प्रेम दे सकती हूं। मोरवी, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हार गई। बहुत अच्छा हुआ, इसी हार में तो मेरी जीत हुई, क्योंकि जब बरबरीक ने मेरे जीवन में पांव रखा तो मुझे लगा आपसे हारने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, मैं बहुत पहले क्यों ना हार गई। मां बनने से एक स्त्री का जीवन संपूर्ण हो जाता है। जब आप मिले तो मुझे लगा केशव ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और जब बरबरीक मिला तो मुझे लगा मेरे अर्थहीन जीवन को एक अर्थ मिल गया है, मुझे जीने का एक उद्देश्य मिल गया है। भगवान ने तो माता को बनाया ही इसीलिए है कि स्वयं उसे हर स्थान पर ना रहना पड़े। किंतु ये भी सत्य है मोरवी कि बरबरीक हमारे जीवन में काका श्री केशव का उपहार है। उसके जीवन पर हमसे अधिक अधिकार तो उनका है। इसीलिए तो मैं उसके भविष्य से निश्चिंत हूँ। मेरा वीर बरबरीक मेरी शाम की छाया में बड़ा होगा। मैं समय हूँ, कदाचित दादा भीमसेन और समस्त पांडु परिवार के भाग्य में बरबरीक को बढ़ते हुए देखना नहीं लिखा था। द्यूत क्रीड़ा का दुष्परिणाम धर्मराज युधिष्ठिर से उनकी भूल का पूरा पूरा मूल्य वसूल कर रहा था। ये मूल्य पांडव परिवार को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में चुकाना पड़ रहा था, और द्रौपदी का दुख तो सबसे बड़ा था। उसे उस अपराध का दंड भोगना पड़ रहा था जो उसने किया तो क्या कभी सोचा भी न था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि उसका पौत्र बरबरीक कैसा है, क्या है, और भविष्य में किस रूप में सामने आने वाला है। और बरबरीक, वो तो अपनी मायाविनी दादी हिडिंबा
और माता मौरवी के प्रेम की छांव में चंद्रकला के समान बढ़ रहा था। हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरीक को एक पराक्रमी योद्धा बनाने की धुन में रात दिन एक कर दिए थे और उसका ये परिश्रम रंग भी लाया। बर्बरीक उसकी देखरेख में एक ऐसे वीर और पराक्रमी नवयुवक में परिवर्तित हो गया जिसको देखते ही विश्वास हो जाता था कि वीरता और पराक्रम ने मानव रूप धारण कर लिया है। प्रणाम दादी श्री। धन्य हो पात्र, तुम मेरी सिखाई विद्या की कसौटी पर पूरे उतरे। आयुष्मान भव, देखा मेरे पौत्र का साहस? जब भी युद्ध भूमि में उतरेगा शत्रुओं के पांव उखड़ जाएंगे। माता श्री, आप जैसी गुरुजी से मिले खड़क उसकी दासी और वीरता उसकी आगे कारणी बन जाएगी। जुग जुग जियो मेरे लाल। पत्र, तुम अश्व और धनुर्विद्या में प्रवीण हो चुके हो। दादी श्री, मैं तो इसके भी आगे जाना चाहता हूं। इसके आगे पत्र, क्या करना चाहते हो तुम? दादी श्री, मैं संसार में अजय और अपराजित बनना चाहता हूं। पत्र, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसके आगे जाना चाहते हो तो कोई गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए दादी श्री, मैं किसके पास जाऊं और किस गुरु को अपना बनाऊं? ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो कौन है दादी श्री, ये आप मुझे बताइए, मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारे दादा श्री भी हैं। पूज्य पितामह केशव। दादी श्री, हमें ले चलिए उनके पास। तुम तो जानते हो पौत्र, वो जहां है हम वहां नहीं जा सकते। आप तो ले जा सकते हैं उनके पास, तो फिर हमें ले चलिए ना। पुत्र, हर धर्मी नहीं करते। माता श्री, मैं क्यों ना करूं हर धर्मी? क्या मैं उनका पौत्र नहीं? क्या उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं अवश्य जाऊंगा उनके पास। अच्छा अच्छा पुत्र, ले चलेंगे, समय तो आने दो। मेरे लिए समय आ चुका पिताश्री, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि आप लोग मुझे नहीं लेके गए तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा उनके पास। सच्चे मन से कृष्ण का जो कर लेता ध्यान, जब जब भक्त पुकारते आ जाते हैं।